काम कर रहे फिर देखेंगे ना भाई क्या काम कर रहे हैं आप लोग। प्लांट से बात नहीं कर रहे हैं। अरे तो सीधे प्लांट से बात कर लीजिए। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो वीडियो काहे नहीं करने दे रहे वीडियो करने दीजिए। ठीक है समाधान हो गया सर। हाथ जोड़ते समाधान के लिए घुस रहा ना। हम वीडियो के लिए मना कर रहे हैं भाई। वीडियो के लिए मना कर रहा है। देखो वीडियो के लिए मना कर रहा है। हम जाने के लिए मना नहीं कर रहा। काम कर रहा है जिंदगी यहीं पे दे दिया है। चल लीजिए ना। ठीक है रुको ना यार। आप ही का आदमी बात कर रहा है। आप ही का आदमी बात कर रहा है। आप ही का आदमी बात कर रहा है। दिन नहीं होगा सर। 7 महीना से यही चल रहा है। वीडियो 7 महीना से हो जाएगा 6 महीना से क्या सो रहे हैं क्या खाए की बोल चुप नहीं बैठेंगे। आपको कुछ लग रहा है 3 दिन से भूखे आप एकदम से आरएसबी गेट पूरा एकदम मजदूर लोग पूरा भरे हुए हैं। यहाँ पे अंदर में कुछ फैसला और मतलब फैसला किया जा रहा है लेकिन हम लोग को जाने ही नहीं दिया जा रहा। मतलब धमका दिया जा रहा है कि तुम लोग मीडिया वाला मीडिया मतलब आने जब तक मतलब देखिए अगर गलत फैसला हो रहा है तभी ना अंदर में जाने नहीं दिया जा रहा। अगर सही फैसला होता तो अंदर का नहीं जाना देता। वीडियो हम लोग थोड़ी गलत चीज का बना रहे हैं। एक तो वीडियो बनाने का सिस्टम है मतलब जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं अभी हम लोग तो जो चीज दिखाए मतलब सच है वही दिखाएंगे लेकिन ये लोग अंदर जाने ही नहीं दे रहा। अंदर नहीं जाने देने का मतलब क्या होता है बताइए। तो देखिए किस तरह से लोग पूरा गेट जाम किए हुए हैं जगह हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये लोग मतलब ढकेल के निकाल दिया जा रहा है। बताइए मतलब मजदूर का कैसे मतलब इंसाफ कैसे इंसाफ नहीं इंसाफ कैसे किया जा रहा है बताइए। ऐसा हम लोग को मजदूर के साथ अगर करेंगे आइए वीडियो में दिखा रहे जल्दी क्या फैसला होता है अंदर? देखिए मैनेजमेंट और ये कंपनी मैनेजमेंट का और हमारे प्रतिनिधि का वार्ता हुआ कि इनको काम पे रखा जाएगा और थोड़ा देर में सकारात्मक वार्ता हुआ। पूर्ण रूप से लिखा पढ़ी नहीं हुआ है इसलिए हम लोग इसको तो पूर्णता नहीं मानेंगे और आश्वस्त किया है कि जल्दी वार्ता कर समझदार का समाधान निकालेगा। मान लीजिए अगर मतलब उसको नहीं रखा तो अगर नहीं रखता तो फिर हम लोग अगला चरण में फिर हम लोग कंपनी का अनिश्चितकालीन गेट जाम कर देंगे। तो अभी जो ताना खींचा हो रहा था तो क्या हो रहा था? ये देखिए ये प्रबंधन का आड़ियल रवैया तानाशाही अरवल रवैया। हम लोग का झारखंडी का प्रति हक मांगने जाओ तो प्रशासन आएगा मैनेजमेंट का दबाव यही सब अब झारखंड में देख सकते हैं जगह जगह यही चल रहा है। अब बताइए इनका छोटा छोटा परिवार है दो छोटा छोटा बच्चा भूखा बूढ़ी माँ है बीवी है जिसको 7 महीने से काम से बैठा दिया ये अपना परिवार किस तरह से चलाएगा? तो मतलब काहे बैठा है थोड़ा वो भी जानना चाहेंगे। देखिए ये हेल्पर था 9 साल से हेल्पर के रूप में सेवा देते आ रहा था। कोई भी आदमी पेट से सीख के नहीं आता
इस जग में ही सुशिक्षित है। 9 साल हेल्पर के रूप में सेवा दिया, ऑपरेटर बना, 3 साल ऑपरेटर का रूप में सेवा दिया, 9 और 3 12 साल, 12 साल बाद जब वो ऑपरेटर का जब रेट मांगा गया तो उनको काम से निकाल दिया गया। 12 साल बाद भी आपको रेट नहीं बढ़ाया गया? नहीं बढ़ाया। तो अभी मतलब अभी रेट बढ़ाने के लिए जो अभी निकाल दिया गया, तो मतलब कैसे निकाल दिया गया, मतलब डायरेक्ट बोल दिया मतलब कैसे नहीं आना है? नहीं, हम आया था एक दिन, मतलब हम लोग का उधर बजरत पड़ गया था, 5 आदमी मर गया था, तो उस दिन हम नहीं आया। उस दिन हम झांझी को फोन कर दिया, मेरा मम्मी भी फोन कर दिया और बोल रहा कि नहीं आना ही पड़ेगा, तो उस दिन हम नहीं आया। उसके बाद वाला दिन जब हम आया तो रात 10 बजे हमको कंपनी गेट से बाहर निकाल दिया, लौटा दिया। क्या बोल के निकाल दिया? कि तेरा यहाँ नो अलाउ है, तेरे को होल्ड कर दिया है। आप बात नहीं की थोड़ा बहुत? नहीं, हम सुपरवाइजर को 11-12 बार फोन किया रात में और रिसीव नहीं किया। फिर दूसरा दिन आया बात करने के लिए, वो लोग बोला कि मीटिंग में बिजी है, आज बात नहीं होगा। फिर उसके बाद ये लोग फोन ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर पंकज सिंह को फोन किया, वो भी नहीं उठाया। 4-5 बार उसको फोन किया, वो भी नहीं उठाया पंकज सिंह। फिर उसके बाद से बातें नहीं हुआ। दादा आप मतलब कब तक साथ देंगे? देखिए, हम लोग अंतिम सांस तक साथ देंगे, जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। और यही नहीं है, उसका और 2 मजदूर था, क्या मातो नाम है आपका? सेवाचरण मातो जी। इधर आपको भी निकाल दिया गया? जी सर, हम लोग एक्चुअली क्या हुआ था, एक हम लोग को केजुअल वाला लोग को मोबाइल अंदर घुसाने नहीं दे रहा था, ठीक है? तो उसी के लिए हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो, परमानेंट वाला घुसे मतलब घुसाएगा मोबाइल और केजुअल वाला नहीं घुसाएगा, तो हम लोग को भी दूर दूर से आते हैं, मोबाइल नहीं रहने से सर कैसे दिक्कत होता है, बात उत करना पड़ता घर में, क्या हुआ क्या नहीं, आ रहा था नहीं, अगर इतना दूर से आते कहीं गिर उड़ के तो दिक्कत है ना। तो उसी के लिए उसी बीच में गेट में जाम हुआ था, और उसी बीच में हम लोग 6-7 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। हम लोग जो नया लड़का घुस रहा वो लोग को इसके रेट मिल रहा, हम लोग जो पुराना है वो लोग को मतलब वैसे ही जैसा मिल रहा वही मिल रहा, तो वही रेट के लिए भी हम लोग बोला जो हम लोग को स्किल रेट क्यों नहीं मिलेगा। तो इस कारण से एक बहाना करके हम करीब 5 बजे मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए हम थोड़ा लेटते समय मेरा फोटो खींच के गेट में टांग दिया, और उसी बहाने हमको निकाल दिया गया। और उसके बाद बोलता काम तेरा नहीं होगा, ठीक है, हम लोग गरीब आदमी है, करीब 4-5 महीना देखा, उसके बाद हमको ऑटोमेटिक रिजाइन मानना पड़ा, हमको भी तो कुछ करना होगा बाल बच्चा के लिए। जिस तरह से दादा बोल रहे हैं कहीं ना कहीं इनको साजिश के द्वारा निकाला गया। हाँ, ये झारखंडी के साथ तो साजिश हो रहा है। ये देखिए, ये एक मजदूर है, इसके साथ भी बताइए आप अपना समस्या। जी सर, हम 5:30 बजे शाम को बाथरूम गए थे, बाथरूम से जैसे आए तो वहाँ से आया हम, फिर मैनेजर बुलाया, फिर वहाँ सबको बुलाया और बोल रहा है तुम बाथरूम कहाँ गया था? नहीं सर, ऐसे ऐसे लेटरिन लगा इसलिए गए थे। तो मतलब आरएसबी कंपनी में बाथरूम भी नहीं जाना है? वो भी बंद है, पूरा इतना टाइट कर दिया है कि लेबर का वो इतना शोषण हो रहा है कि यहाँ कुछ बोलना मत, कोई अगर 2 बात इधर से किया तो उसको बोल रहे उसे तुम बात क्या कर रहा, तुमको कल बैठा दिया जाएगा। इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं दादा? इस तरह से देखिए, ये बहुत कंपनी क्षेत्र में झारखंडियों को विशेषकर टारगेट किया जा रहा, इतना शोषण है कि अगर आज अगर हम लोग कफन नहीं बांधे तो आने वाला हमको लगता है 1 साल में हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाए। तो मतलब अभी जो इतना जो जाम करके रखे हैं, कब से मतलब अभी अंदर जाना और बना? देखिए, अभी हम लोग 5:30 बजे से आज सुबह हम लोग आंदोलन को स्टार्ट किए हैं, अभी हम लोग का आंदोलन चल रहा है, देख सकते हैं सभी मजदूर भाई लोगों का हम लोग का साथ मिल रहा है। तो क्या करेंगे? मतलब देखिए, कंपनी वार्ता के लिए अपना एक किया है और समाधान के लिए प्रोसेस में है, आगे बढ़ रहा है, जैसे होता है आपको सुनने में। तो वार्तालाप किया जाएगा, तो वार्तालाप अभी पहले भी किया गया सुनने में आया था। हाँ, 6 महीने से इसका प्रोसेस है। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग कुछ भी काम करते हैं, अलग तांत्रिक ढंग से नहीं। इसका पहले भी हम लोग 6 महीना पहले हम लोगों ने श्रमिक कार्यालय को भी हम लोग इसका शिकायत दिए थे कि भाई इस तरह से हो रहा है, तो वहाँ भी कंपनी मैनेजमेंट नहीं रखने का मन बनाया, वहाँ भी कुछ एविडेंस शो नहीं कर पाया कंपनी, तो श्रम आयुक्त ने भी आदेश दिया, और कहीं ना कहीं श्रम आयुक्त भी शायद दबाव में था, इसलिए अब क्या दबाव है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि मजदूर यूनियन और कंपनी प्रबंधन आपस में वार्ता कर समस्या का समाधान करें और अगली तिथि को आप उपस्थित हो। लेकिन इन्होंने कोई समाधान भी नहीं निकाला और अगली तिथि को उपस्थित भी नहीं हुआ, तो आज हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करने का भी कोई समय सीमा होता है? 6 माह से जो इसका परिवार आज कैसे चल रहा है, ये भी तो सोचने वाला बात है। और सभी झारखंडी से, मेरे तमाम जितने भी झारखंडी युवा मजदूर से आह्वान है कि अभी एक दूसरे का हाथ को मजबूत कीजिए और सहयोग कीजिए और लड़ना। देखिए, अभी जो समस्या हमारे पास आया है मोहन भगत को लेकर,
उसका केस डीएलसी के पास चल रहा था, 3 तारीख को डेट था, कल ही डेट है, क्योंकि आप दोनों पक्ष आइए बातचीत करके। क्यूएफ इंजीनियरिंग में काम कर रहा था लड़का, तभी कुछ कमेटी लोग का कहना है झारखंड मजदूर संघ का कि आप जो है ना कोई भी प्लांट में इस मजदूर को जो है मोहन भगत को आप रखवा दीजिए। हम लोग आपके माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि हम उसको जो है ना कोई भी प्लांट में 100% रखवा देंगे। धन्यवाद। अब बस 1-2 दिन में ही उसको रखवा दे, क्या डीएलसी के पास केस है, ताकि वहाँ लिखित देके जो है ना विड्रॉ करना पड़ेगा केस, उसके बाद हम लोग रखवा देंगे। अभी बैठ के जो कमेटी है उसके साथ निर्णय लेके रखवा देंगे। ये बोल रहे रखवा देंगे, हाँ सभी मजदूर है, देखिए क्या बोल रहे हैं रखवा देंगे। अरे यार हम बोल दिए, मेरे पास सुनिए, मेरा नाम पंकज सिंह है, आप किसी से बात कीजिएगा, हम जो भी बोलते हैं वो करते हैं, 100% करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। ठीक है, अब धन्यवाद। मीडिया बंद।